अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैं अपने बच्चे लोग के लिए सैंडविच। तो इसका नाम मैं रखी हूँ एग मेयोनीज सैंडविच। तो इसका क्या नाम होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कोलकाता में 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, दिन रात 24 घंटा बारिश ही बारिश हो रहा है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आधा शिमला मिर्च ली हूँ, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, 3 हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ का प्याज, सभी को मैं फाइन चॉप कर ली हूँ। तो स्टफिंग रेडी करेंगे। तो 3 मैं अंडे बॉईल करके इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ मैं। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से छोटे छोटे पीस चाकू से कर लीजिएगा या हाथ से तोड़ करके, लेकिन मैं कद्दूकस कर ली हूँ। तो 3 चम्मच के करीब मैं इसमें मेयोनीज डाली हूँ। अब कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर रख लीजिएगा। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सीजनिंग डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सीजनिंग। 1 चम्मच से कम मैं चाट मसाला, आधा चम्मच ब्लैक पेपर। तो स्टफिंग सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए मेरा स्टफिंग रेडी हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल दे रही हूँ। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं सैंडविच। तो ब्रेड मैं ली हूँ, उसके बाद फिर बटर लगाएंगे सबसे पहले ब्रेड पे। अच्छे से दोनों स्लाइस में बटर लगा लेंगे। उसके बाद टमाटो सॉस लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें शेजवान चटनी लगा सकती हैं, शेजवान चटनी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैं बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ तो लोग को टमाटो सॉस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टमाटो सॉस लगा रही हूँ। उसके बाद फिर स्टफिंग लगाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्टफिंग डाली हूँ ताकि बच्चे लोग इसके ज़रिए खा सके। वेजिटेबल तो बच्चे लोग खाने नहीं मांगते हैं। उसके बाद फिर मैं चीज़, मैं क्यूब्स वाला चीज़ ली हूँ। इस तरह से मैं इसको कद्दूकस कर ली हूँ चीज़ को। अब चाहे तो मोज़रेला चीज़ लीजिएगा। स्लाइस वाला चीज़ भी आप ले सकते हैं। अब कोई भी चीज़ आप इसमें कोई सा भी चीज़ डाल सकती हैं। तो सभी सैंडविच को इस तरह से स्टफिंग लगा के रेडी कर लेंगे। बहुत टेस्टी बना था ये सैंडविच। तो चलिए अब मैं इसे रेडी कर ले रही हूँ। ग्रिल पैन है मेरा, छोटा वाला है, तो ऊपर साइज में भी बटर लगा लेंगे। और फिर पलट पलट करके दोनों तरफ मैं बटर लगा दी हूँ ताकि सेकने में अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो दोनों साइड से आप बटर लगाइएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, बहुत क्रिस्पी बना था। अब फ्लेम बिल्कुल मैं स्लो ही रखी हूँ। तो चलिए इसका पीस काट दे रहे हैं। बहुत टेस्टी बना था ये सैंडविच। बच्चे लोग को तो यू नो प्याजू, ये बैगनी, ये सब तो बिल्कुल पसंद है। बारिश में तो हम लोग को वही सब अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन बच्चे लोग को तो बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सब चाहिए। तो बहुत इजी से आप अपने बच्चों के लिए घर पर, आसान भी बहुत ही ज़्यादा आसानी है ये सैंडविच बनाना। झटपट सब एकदम 10 मिनट के अंदर में सब बन के रेडी हो गए थे ये सैंडविच। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए इस तरह से, बहुत पसंद आएगा। अभी तो स्कूल भी खुल रहा है, बच्चे लोग को टिफ़िन बॉक्स में भी आप बहुत अच्छे से ये दे सकती हैं। बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा, टिफ़िन बॉक्स बिल्कुल खाली ही आएगा, स्कूल से वापस नहीं आने वाला है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से बनाइए सैंडविच, एक मेयोनीज सैंडविच मैं इसका नाम रखी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या होना चाहिए। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया हो, एक मेयोनीज सैंडविच, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।